फंगस और कवक, प्रोटोजोआ और बताइए, प्रोटोजोआ का ट्रिक बताए थे, प्रोटोजोआ और कवक, ये दोनों बीमारियां बता दिए थे। प्रोटोजोआ द्वारा आपका ट्रिक क्या था? काम सोप, पे काम सोप, और इसका क्या था? ए दाद खाग। आगे बढ़े, अब बच गया कौन सा? जीवाणु। इससे पहले कुछ और बीमारियां होगी क्रीमी द्वारा फैल, क्रीमी और वेक्टर डिजीज तो पढ़ा दी है, बस एक जगह पढ़ाना रहेगा उसको यहां पर। क्रीमी द्वारा होने वाली बीमारी, लड़की में किसी का है? दूसरे किसका होगा? लड़का ही सा थोड़े रखेगा, चाबी है किसी का छुटा, आपका है? किसी का नहीं है? आगे देखें, क्रीमी द्वारा होने वाले रोग। देखिए क्रीमी किसे कहते हैं, वो भी एकदम छोटे छोटे होते हैं सर, दिखाई ही नहीं देंगे सर, लेकिन उनका शरीर जो है ना, जब कीटाणुओं को जूम करते हैं तो देखिए ध्यान से, यहां आपको एक डॉट दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसे जीवाणु वगैरह भी होते हैं, ऐसे दिख रहा है किसी को? यहां एक डॉट है, दिख रहा है? यहां दो को जीवाणु है, एक वो क्रीमी है, एक तो अब जब हम जूम करते हैं किसी चीज को, जब हम माइक्रोस्कोप से इसे जूम करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, देखिए एक तो गया जीवाणु, एक तो गया क्रीमी। क्रीमी थोड़ा सा लंबा होते हैं, बट ये मत सोचिएगा कि दिखाई देने लगेंगे, दिखाई नहीं देंगे, वो वहां पे केचुआ की तरह नहीं होते हैं, मतलब बनावट लंबा होता है केचुआ की तरह, बस बहुत ज्यादा छोटे होते हैं सब यहाँ पे, और शरीर में घुस जाते हैं सब, तो गोल टेट रहेगा तो बैक्टीरिया फंगस इन रहेंगे सर, लंबा चपटा रहेगा तो क्रीमी, क्रीमी हो जाता है सर। क्रीमी दो टाइप का होता है सर, एक होता है चपटा, एक होता है गोल, तो गोल क्रीमी को गोल क्रीमी, और चपटा को चपटा क्रीमी। क्रीमी का मतलब होता है फीता टाइप का रहता है, केचुआ टाइप का, लेकिन केचुआ बड़ा होता है, उसको समझिए कि एकदम नंगी आंखों से नहीं देख सकता, एकदम छोटा होगा इसे, दिख रहा है अब? हाँ अभी भी दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, समझ गया? तो ऐसा नहीं है कि वो क्रीमी जो है बड़ा आपको केचुआ की तरह दिखेगा, बट उसको बहुत ज्यादा जूम कीजिएगा, बहुत ज्यादा, तो उसकी बनावट आपको लग जाएगी कि वो कैसा है, चपटा है, कैसा है, बहुत ज्यादा छोटा कर दिए थे क्या जी, जूम ही नहीं हो रहा है, अरे हो जा भाई जूम, दो सौ परसेंट बढ़ा दिए फिर भी नहीं हो रहा, भाग गया वो। और इसको जूम करना पड़ा, आप सही हुआ, दिख गया? चलिए अब समझते हम लोग यहां पे, तो क्रीमी क्या होते हैं सब? चपटा होते हैं सब, गोल भी हो सकता है क्रीमी और चपटा भी हो सकता है, इसको क्या हुआ जी? तो कुछ ज्यादा ही जूम हो गया,
तो सिस्टम में गड़बड़ा दी हम लग रहा है। 200 था नहीं है? हो गया, आप सही हैं। चलो इधर देखो बाबू, हंसो ज्यादा नहीं, रुला देंगे हम। देखिए कृमि द्वारा भी कई टाइप के रोग होते हैं। कृमि से होने वाले दो प्रमुख रोग आपको याद रखना है, एक फाइलेरिया, पैरवा जो होता है ना भयानक हो जाता है, देखें किसी किसी शिलापद या हाथी पांव कहते हैं फाइलेरिया। तो फाइलेरिया किसके द्वारा होता है? कृमि द्वारा। फाइलेरिया कृमि द्वारा, फाइलेरिया एकदम भयानक पैर हो जाता है, उठ नहीं पाता है पैर और पे, एकदम भयानक हाथी जैसा हो जाएगा पैर, चल फिर नहीं पाता आदमी वहां पे। तो एक हो गया फाइलेरिया, दूसरा हुआ डायरिया। फाइलेरिया और डायरिया, फाइलेरिया और डायरिया। फाइलेरिया का अगर कृमि घुस गया तो आपका ना धीरे 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 मनसवा को क्या करते रहेगा, खदरते रहेगा, और धीरे धीरे पूरा बढ़ा देगा, इतना भयानक कर देगा, तो पूरा पूरा आपके पैर में क्या फैल जाएगा, फाइलेरिया हो जाएगा। और अगर कृमि बड़ी आंत में घुस गया तो बड़ी आंत को क्या करेगा, चाल देगा पूरी तरह से, तो क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। अकबर की मृत्यु कैसे हुई थी? डायरिया से हुई थी। तो बढ़िया बढ़िया कृमि सब राजा को उलट दिया सब। कृमि जो था मुगल बादशाह में सबसे जो आगे गया था उसको भी मार दिया सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े। तो कृमि द्वारा दो प्रमुख रोग बोलिए, फाइलेरिया और डायरिया। फाइलेरिया और डायरिया। फाइलेरिया रोग को इसे हाथी पांव भी कहता है, यह विचेरिया नामक कृमि से होता है, इसे लासिका तंत्र प्रभावित होता है। इस कृमि को मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है वही ले जाते हैं, मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर। तब कहीं पे कहीं पे अगर पड़ा रहेगा इसे फाइलेरिया का कृमि तो किस पे बैठ जाएगा, अगर अगल बगल में कोई मक्खी है और क्यूलेक्स मक्खी उसको क्या करेगी, अपने ऊपर बैठा लेगी, और कहीं खाने के ऊपर बैठ गई वहां पे छोड़ देगी, वहां से आप उठा के खाएंगे, चला गया पेट में, बच गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तब तो ले गया आपको, डायरिया वगैरह हो जाएगा या फिर फाइलेरिया हो जाएगा। तो अलग अलग वुचेरिया से क्या होता है, फाइलेरिया। स्केरिस से क्या होता है, डायरिया। स्केरिस से डायरिया, वुचेरिया से हाँ फाइलेरिया। क्रीमी समझ में आ गया? केचुआ बराबर लंबे होते हैं? केचुआ के बराबर होते हैं? केचुआ के बराबर नहीं। अगला देखते हैं हम लोग वेक्टर डिजीज। वेक्टर डिजीज आप सबको हम पढ़ा दिए हैं। मलेरिया किससे है ना, मलेरिया मादा एनाफिलीज, दूसरा क्या है फाइलेरिया क्यूलेक्स, फाइलेरिया क्यूलेक्स, फाइलेरिया क्यूले, डेंगू एडिस मक, डेंगू एडिस मक्खी, और कौन सा, सोने की बीमारी निद्राणु सीसी मक्खी के कारण, हैजा घरेलू मक्खी, कालाजार, कालाजार हो गया, कालाजार सैंडी या बालू मक्खी, इसे हम वेक्टर डिजीज कहते हैं, मच्छर या मक्खी द्वारा फैलता है। ये तो हम आपको पढ़ाई दिए हैं, बस एक जगह सिस्टमेटिक रहे इसलिए यहां लिख देते हैं आपको, वेक्टर डिजीज नहीं बता दिए हैं, ये मच्छर या मच्छरनी के द्वारा फैलता है। ज्यादातर देखिएगा तो मादा ही से, तो वो भी क्या है कि अपने बच्चे को खून में ही क्या कर सकते हैं, पाल सकते हैं, इसलिए खून वगैरह पीते रहते हैं सब। बाकी महिलाओं का भी देखिएगा तो ये लोग परोपकारी बहुत ज्यादा होती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दुआ मच्छर मच्छरनी सब में भी क्या होते हैं सब, बीमारियां लेके घूमने लगते हैं सब। मलेरिया क्यूलेक्स, मलेरिया एनाफिलीज, 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 फाइलेरिया क्यूलेक्स एडिस किसे, एडिस सीसी, सीसी मक, हाउस फ्लाई, हाउस वाइफ, जिन्ना कह रहा हाउस वाइफ की वजह से, शादी ब्याह के बाद आप लोग को घर साफ सुथरा मिलेगा, हैजा होने की संभावना कम रहेगी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कपड़ा टाइम से मिलेगा आपको, समझ में, नहीं तो अभी के समय क्या होता है, आप लोगों
जोन कपड़ा ऊपर मिला रगड़ देगे लोग उसको 2-3 महीना तक, आ 6 महीने बाद कोनो और मिलेगे रे यो कपड़ा रोलो रे तो ऐसा है जाओ जाए नहीं होगा, बस अरते उस साफ सुथरा रही, नहीं तो कई गो उगवे कहती सर एकदम पोट ही एकदम हाँ नहीं होती है सब जी जय कहती है हाँ हो भी सकता है तब जिन्ना सही भी हो सकता है। हाउस फ्लाई आइए सैंडी, सैंडी या बालू मक्खी, सैंडी या बालू, बालू मक्खी की वजह से आगे बढ़े। अब जीवाणु द्वारा होने वाला रोग देख लेते हैं, ये तो हम पढ़ाई दिए थे एक जगह बस कर दिया, किसी को कोई दिक्कत? कौन सी हंसता है जिन्ना कहाँ का रहने वाला है तुम? चलिए अब हम लोग देखते हैं जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। जीवाणु असल में एक छोटा साइज का पौधा होता है, जीवाणु क्या होता है? छोटा साइज का पौधा होता है जो पानी में भी बह सकता है। काई देखे हैं? काई, काई जो नीचे जमीन पे लग जाता है, कैसे छोटा सा पौधा होता है हरा हरा रंग का, वैसे ही जीवाणु होते हैं सर छोटा टाइप का। तो जीवाणु जो होते हैं एक्चुअली उनको पढ़ना है बॉटनी में, ठीक है। हम लोग जब पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में तो हम लोग को लगता था जीवाणु ना जैसे कैसे दीमक होते हैं सब, जुआ होती हैं ये सब, वैसे जीवाणु चलने फिरने वाला होगा। बाद में पता चला जो जूलॉजी से बॉटनी में चल गए यहाँ। वो छोटे साइज के पौधे होते हैं, जैसे फंगस कैसे होते हैं? छोटे साइज का पौधा। फंगस जो है ना छोटे साइज का क्या है? पौधा है। ब्रेड के ऊपर लग जाता है, मशरूम लग जाता है, वैसे जीवाणु भी होता है छोटे साइज का क्या है? पौधा है। बिना जड़ के भी हो सकता है वो, हवा मतलब इसे पानियों में रहेगा अपना होता रहेगा, हम जीवाणु हैं चल दिए हमें। जीवाणु बहुत अच्छे होते हैं सब, और कुछ कुछ खचरे होते हैं सब, हर जगह ऐसा देखा जाता है। जीवाणु कई हमारे काम लायक भी होते हैं सब, जैसे दूध को दही में बनाने वाला लैक्टोबैसिलस अच्छा चीज है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने वाला राइजोबियम अच्छा होता है आप। तो कुछ जीवाणु हमारे लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जीवाणु हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे देते हैं। जैसे अगर ये जीवाणु हमारे फेफड़े में उतर गया और पूरा फेफड़े के अंदर काई जमा देगा, पूरी तरह से काई जम जाएगा, टीबी हो जाएगा, नाम होता है उस जीवाणु का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? टीबी। क्या कहेंगे? टीबी का आ जाता है। तो ये खतरनाक होता है, फेफड़े के अंदर वहाँ जाकर बैठ जाएगा, फेफड़े के अंदर बैठ जाएगा और अपनी जड़ों को जब जमाएगा तो वहाँ से फेफड़ा काटेगा, फेफड़ा क्या करेगा? काटेगा, और धीरे 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 पूरा फेफड़ा में अपना राज हो जाएगा टीबी वाले का और आदमी चल जाएगा। ज़्यादा जोर से फेफड़ा सोचेगा फेंके बस क्या आने लगेगा? ब्लड आने लगेगा। टीबी से पहले बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, टीबी से बहुत लोग को, अभी भी कुछ लोगों की मृत्यु होती है, तो अब जिनकी होती है वो लापरवाही से होती है, कई लोग बताते नहीं है। बीमारी, कर्जा, शत्रु, तीन चीज हमेशा जब मौका मिले साइड कर दे रहे। ड्रग्स बोल रहा है, ड्रग वैज्ञानिक इसमें ड्रग्स कहाँ से आया? ड्रग्स पीने से नहीं होता हो, ड्रग्स वगैरह ये सब VIP हैं सभी सब यहाँ पे। तो टीवी ये वाला टेलीविजन होता है बाबू, ये ट्यूबरकुलोसिस, ये वाला टीवी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सारी तीनों चीजों से बच के रहना चाहिए। हाँ ये होता है बैक्टीरिया द्वारा, आइए आपका टाइम खराब कर देगा और तीन टो में से दुइये को का इलाज है, एक टो का कोई इलाज नहीं है। चलिए अब तीन टो में से कौन सा है समझने वाला? समझ गया लोग? चलिए अब समझते हैं। देखिए ट्यूबर, ये जीवाणु समझ में आ रहा है?
तो जीवाणु द्वारा भी बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। उनका एक शॉर्टकट ट्रिक देते हैं, डीप सिटी का कुटनी है, ट्रिक है, इसको ट्रिक के तौर पे याद कीजिए फटाफट, डीप सिटी का कुटनी है। सीटा हो गया, सीटी बड़ा साइज का सीटी, डीप सिटी का कुटनी है। देहात में ना जो महिला इधर का बात उधर करती है उसको कुटनी बोला जाता है, हाँ चुगली ऐसे ना, शुद्ध देहाती भाषा है कुटनी, है कि नहीं, बोला जाता है ना। आप लोग को ऐसे पता, कौन बोलता है आप लोग को, ये सब चीज इधर का बात उधर नहीं करना चाहिए, ये सब चीज पुराना हो गया, खाली बैठा। लड़का लोगों को भी कहते हैं जब तुम लोग कुटना नहीं, लड़का थोड़ा कम कुटना होता, शादी ब्याह करना लड़का लोग तो पढ़ी लिखी लड़की से करना, ठीक है, उसके बावजूद उसको किसी न किसी पढ़ाई उड़ाई में लगे रहना, तो खाली बैठल रहेगी ना। हमेशा दिमाग लड़की लोग या लड़का दोनों लोग खुद सोचिए, अगर आप नहीं पढ़ रहे होते तो क्या करते, अजीब टाइप का काम कर रहे होते हैं, बिना मतलब की बात में लगे रहते लोग। पढ़ा लिखा इंसान में एक चीज होता है ना, बहुत सारी चीजों को ना इग्नोर कर दो, यार इतना छोट मत बात कौन करेगा यहाँ पे, तो पढ़ाई लिखाई से बड़ी फायदा होता है। इस सब चीज में हमेशा याद रखिए, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। चलिए अब बीमारी देखते हैं, इसका ट्रिक क्या होता है, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का, डीप सिटी का कुटनी। तुम बताओ अलाउद्दीन का चिराग मफलर वाला, हाँ बताओ ट्रिक का नाम, डीप सिटी का कुटनी। डीप से होता है डिप्थीरिया, क्या हो गया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में गला में जीवाणु फंस जाता है, डिप्थीरिया में क्या होता है, गला, डिप्थीरिया, इसमें क्या खराब हो जाता है, गला, और गला में ना छोटा मोटा नहीं घाव बन जाता है, यहाँ अगर जम गया ना ये जीवाणु तो यहाँ क्या बना देता है, घाव, और धीरे धीरे गला सड़ जाता है। सोचिए ऐसा जगह सड़ गया कि यहाँ से दिखाई देने लगेगा आर पार, यहाँ पे भयानक सड़ जाएगा, आर पार दिखने लगेगा, अगर आदमी मर मर सकता है, इसे पता चला किसी दिन ज्यादा खजुआ है तो चला यारे भाई साट दो तब नहीं सटने वाला है, बहुत बार घाव बन जाता है गले में, मर जाएगा आदमी डिप्थीरिया से। तो जैसे क्या हो गया, डिप्थीरिया, कैसे डिप्थीरिया, पसे प्लेग, पसे प्ले प्लेग प्लेग, काली मौत किसे कहते हैं, प्लेग, काली मौत प्लेग को कहा जाता है, सड़ सड़ के आदमी मरता है, समझ में आ गया कि नहीं। लोग नहीं शराबते थे पहले, थोड़ा कोर फूट जीतो उससे खतरनाक है, प्लेग हो जीतो, लेकिन लोग प्लेग का शराब नहीं देते थे, कोढ़ का देते थे, कि कोढ़ वाला अपने भर रखे रहता है, अब प्लेग हुआ तो भर मोहल्ला को दे देगा, तो किसी को शराब पिएगा, अपने आदमी अक्सर अपने मोहल्ले आसे पास वाले से झगड़ा होता है तो उसी को शराबता है, कि आप जाके जापान के किसी आदमी को शराब पिएगा तो वो कह प्लेग हो जीतो, कहते तोरो तब हो जीतो, प्लेग को क्या कहते हैं, काली मौत, प्लेग को काली मौत। चूहों से इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, चूहों में, चूहा में, चूहे के शरीर में खूब बढ़िया से आराम करते रहते हैं, चूहा का शरीर बहुत गद्दार होता है, हाँ वो जो सीबीएसई वाला चूहा होते हैं ना सफेद सफेद बिलायती, वो ठीक ठाक होते हैं, हाई तो बड़का चूहा सबका पोछिया पकड़िएगा तो छोड़ के चल जाता है, सो रख लो जा रहे हैं दूसरा ले आ लेंगे हम, हाँ चूहा शरीफ होता है, सर उतना बदमाशी नहीं करता, अरे छोटकी साइज की चूहिया होती है ना बहुत बदमाशी करती रहती है सर इधर उधर बड़ी बदमाशी करते रहते। तो ये प्लेग समझ में आ गया कि नहीं आ गया, काली मौत किसे कहेंगे, काली मौत प्लेग, सबसे भयानक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत फैल गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय प्लेग फैल गया था, भारत में भी बहुत ज्यादा प्लेग फैल गया था। सी से सिफिलिस, सिफिलिस,
सिफिलिस बीमारी है ये, पहले इसको ना छोटा एचआईवी कहा जाता था सिफिलिस को, ये सिफिलिस और गोनोरिया दो ऐसी बीमारी हैं जो जननांगों में होते हैं इन्फेक्शन के वजह से, छोटा प्ले आप इसे छोटा एचआईवी कह सकते हैं यहाँ पे, हालांकि इसकी दवा अवेलेबल है, एचआईवी की कोई दवा अवेलेबल नहीं है। तो सिफिलिस और गोनोरिया, गोनोरिया सिफिलिस तथा गोनोरिया, गोनोरिया पुरुषों में देखा जाता है, सिफिलिस महिलाओं में देखा जाता है, समझ में आ गया कि नहीं। जनन अंगों में होने वाले इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, सिफिलिस हो जाता है, सर से क्या हो जाएगा सिफिलिस। तो एक अलग से भी याद रखिएगा गोनोरिया, पुरुषों में देखने को मिल जाता है गोनोरिया, महिलाओं में मिल जाता है सिफिलिस। डी से डिप्थीरिया, प से सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, टिटनस, टी से टिटनस, टी से टिटनस। टिटनस बीमारी बहुत दर्दनाक मौत होता है, टिटनस बीमारी को हम धनुष टंकार कहते हैं। आदमी का शरीर इतना जाम हो जाता है ना, पूरा शरीर कड़कड़ कड़कड़ करने लगता है ना, तो आदमी का जो शरीर जो होता है ना धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है, एकदम भयानक ऐसे टेढ़ा हो जाएगा दर्द के मारे उसको, और इतना जोर दर्द होगा उसका जबड़ा लॉक हो जाएगा, ये जबड़वा ये जबड़वा सट जाएगा, इसलिए उसे जॉ लॉक कहते हैं, जॉ मतलब जगह, लॉक धनुष के आकार का हो जाता है दर्द के मारे, इसलिए इसे धनुष टंकार भी कहा जाता है। ये बीमारी ये अक्सर आप देखते होंगे, लोग कहते हैं लोहे वगैरह से कट जाए तो टेडबैक का इंजेक्शन लेना चाहिए, वो टेडबैक का वैक्सीन होता है। देखिए वैक्सीन और इंजेक्शन में छोटा सा अंतर है, बीमारी होने से पहले लगाया जाता है उसे वैक्सीन कहते हैं, बीमारी के बाद लगाया जाता है उसे इंजेक्शन कहते हैं, समझ में आ गया। कोरोना का अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं आया, हो गया तब आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, खत्म कहानी हो जाएंगे। उससे पहले बीमारी से बचाव के लिए हम क्या लगाते हैं, वैक्सीन, क्या लगाते हैं वैक्सीन। तो कोरोना की दवा है, कोरोना ही क्या है वैक्सीन, बीमारी से पहले आपको वैक्सीन ले लीजिए नहीं तो बीमारी हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो फिर कोरोना का तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कोरोना का इलाज नहीं होगा, कोरोना के वजह से जो जो सिम्टम होगा उसका इलाज होगा। जैसे सर्दी हो गया तो सर्दी का इलाज कर दो, कोरोना की वजह से खून गाढ़ा हो गया तो पतला कर दो, कोरोना की वजह से सांस फूल रहा है तो जिंक दे दो, मतलब कोरोना की वजह से जो जो सिम्टम आएगा उसका इलाज होगा, तो उसी कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। कोरोना का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था तो देंगे कौन जी, अभी तक नहीं है, उसके केवल क्या है वैक्सीन। कोरोना दोबारा पधार रहा है, समझ में आ गया कि नहीं। हालांकि चाइना की वैक्सीन सक्सेस नहीं हुई है, चाइना की वैक्सीन सक्सेस नहीं, अब वही पाकिस्तान को भी बेचा है। आगे बढ़े, टी से क्या हो गया टिटनस, डी से ऐसे प्ले, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस। जॉ लॉक किसे कहते हैं, टिटनस को कहते हैं, कहा से काली, काली खांसी, काली खांसी, ये काली खांसी बहुत खतरनाक होता है, काली खांसी को पर्ट्यूसिस कहते हैं, क्या कहते हैं पर्ट्यूसिस। अंधेरे में रखा जाता है, टिटनेस के मरीज को अंधेरे में रखते हैं, रोशनी में ना उसका बैक्टीरिया एक्टिवेट बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, रोशनी होगा ना तो उसकी बैक्टीरिया बहुत ज्यादा क्या करेंगे सब दिक्कत कर रहा है, इन्फेक्शन तेजी से फैल जाएगा, इसलिए उसका उनको और दिक्कत होने लगेगा, इसलिए उसको पूरा अंधेरा में रखा जाता है, लॉकर में, तो इनको रोशनी नहीं रहता है वहाँ पे जहाँ पे ये टिटनस का मरीज रहता है, इसका कोई इलाज नहीं रहता है टिटनस का, हो गया ना तो खत्म कहानी हो जाएगी। इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि दिन में चार टाइम ना डॉक्टर उसको बेचारे को एनाल्जेसिक की दवा देता है, उसको मतलब शून्य करने के लिए वहाँ पे, उसका मरीज का धीरे धीरे दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इतनी उसको दवा दी जाती है दर्द को कंट्रोल करने के लिए, कि दर्द तो होता है ब्रेन से, अब ब्रेन को क्या होता है एकदम इतनी दवा देते देते ब्रेन को क्या कर दिया जाता है, रेस्ट में चल जाता है ब्रेन, बहुत खराब बीमारी है टिटनस। इसलिए कभी भी आपको इस टाइप का लगे कि कट उठ जाए तो आप एक टेडबैक का इंजेक्शन ले लीजिएगा, समझ में आ गई नहीं का। अंकित गुप्ता करें सर, समझ में नहीं आ रहा है, हाँ बिचवा में आया होगा नोटिफिकेशन आपका, कह रहे सर आप नोटिफिकेशन नहीं देखते हैं क्या, आप ये चैट, हम वही चैट पढ़ते हैं जो काम लायक रहता है, ठीक है। आलतू फालतू कौन जी, एगो अभी गुड मॉर्निंग ये कह रहा है, सिलेबस जीएस का बहुत बड़ा है, बतियाएंगे तो खत्म ना होगा।
चलिए, काली टिटनेस समझ में आ गया, काली खांसी को क्या कहते हैं, पर्ट्यूसिस, क्या कहेंगे, पर्ट्यूसिस। एक चीज देखिए, ये डिप्थीरिया है, ये भी खराब बीमारी है, टिटनेस बहुत खतरनाक बीमारी है, काली खांसी इसमें तो खांसी होता है, इसमें क्या होता है, खांसी होता है, और बहुत भयानक खांसेगा, एकदम लगेगा, एकदम बेस बढ़ा के खांसेगा, लगेगा डीजे पे खांस रहा दम नहीं देखेगा, एक और ऐसा खांसेगा तो लगेगा किडनी उडनी फेंक देगा वो, एकदम दम लगा के खांसता है, वही क्या है, काली खांसी है, पर्ट्यूसी से, एकदम आप लोग के लॉज वॉज में भी दिखेगा, एकदम देहात में इसे कुकुर खांसी कहा जाता है, सुने हाँ, कुकुर खांसी बोला जाता है इसमें। अब इन तीनों के इलाज के लिए कॉमन सी दवा है DPT, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस, DPT का टीका बचपन में आपको लगा दिया गया होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, DPT का टीका बचपन में इंजेक्शन वैक्सीन लगा देता है। वैक्सीन में होता है क्या कि हमारी जो WBC है ना, वो पहली बार में किसी को नहीं मार पाता है, क्योंकि ना WBC के पास इतनी क्षमता है कि वो हर तरह का हथियार बना सकता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है कि इसको किस हथियार से हम मारेंगे, इसलिए WBC लड़ने से पहले एक बार में वो पहचानना चाहता है कि बीमारी है क्या। तो अगर कोई खतरनाक बीमारी इंट्री आई तो पहली बार में WBC उसको पहचानते पहचानते कि आदमियों को निपटा देगा, जैसे कोरोना शरीर में घुसा, WBC उसको पहचान रहा है कि अच्छा इसका इधर से नाक निकला है, हाथ पर इधर से है, इधर से तूर तार दे सकते हैं, ठेंगना फोड़ देंगे ऐसे, तब तक वो आदमियों को निपटा देता है, टाइम ही कम देता है यहाँ पे। तो वैक्सीन में क्या किया जाता है ना कि सेम उसी बैक्टीरिया या उसी वायरस को बहुत ही ज़्यादा कमजोर कर दिया जाता है, और बहुत ज़्यादा कमजोर करके एकदम अधमरा स्थिति में कि अब अपने से मर जाएगा एक हफ्ता में, उसको ले आके शरीर में लगा दिया जाता है। इसलिए कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद इंसान को कोरोना जैसा फील होने लगता था, चक्कर आना, सर दर्द करना, बुखार आना, क्योंकि डाला तो वो कोरोने है, लेकिन कोरोना किस रूप में है, कमजोर, और 2-3 दिन तक वो जिंदा रहेगा, और तब तक WBC चारों ओर से देखेगा, सर कौन आया है, हल्ला करो, अरे दिख 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 कुंजी लो, अरे मुकुट पहन लो, रे कोरोना है, बना 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 देख इसको, तो पकड़ के चारों ओर से घींचतान करेगा, सर ऑपरेशन करके देखेगा, सब कहेगा इसको इधर मारेंगे तो ये मर सकता है, तो उस टाइप का WBC हथियार बनाना चालू करेगा। तब डॉक्टर 3 महीना बाद एको देगा बूस्टर डोज, WBC देगा, फिर आ गया बूस्टर मतलब सेकेंड डोज, कहेगा फिर आ गया तो देखेंगे हथियार बन गया, कहेगा हाँ 1 महीना लगा बना दिया, मार तो एक धाएं से मारेगा उसको, जो सेकेंड डोज लिए होंगे उसमें बुखार कम आया होगा, पहलका वाले में जाने पहलका वाले में पहचान नहीं रहा था, हमको तो सेकंड वाले में अभी नहीं किया था बुखार नहीं आ, तो दूसरे का मैं हथियार बन के रेडी। अच्छा 6 महीना साल भर बाद आप बूस्टर डोज लीजिएगा, तो पहला बार में हथियार को अपडेट बनाया, दूसरे का बार में अपडेट किया, और तीसरे का बार में WBC घुसिया जाएगा, तो बार बार चलाता है, मार तो फायरिंग कर एकदम धर 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 मार दिया यहाँ पे, कोरोना और हथियार बन के रेडी है, उसके WBC घुसी आ जाएगा, कहेगा अगली बार आ गया तो ब्रस्ट फायर मारना एकदम अम्बुश लगा के, अम्बुश मतलब तो अचानक हमला करना है, अब WBC तैयार है, आ जाओ कोरोना देख ले तो तुरा हम, समझ में आ गया कि नहीं, तो भूल पावर मार दे। इसलिए छोटा बच्चा को देखिएगा ना, जो वैक्सीन दिया जाता है पोलियो का, उसको पिलाया जाता है हर 3 महीना 4 महीना 6 महीना बाद 5 साल तक उसको पिलाते रहा जाता है, उसका शरीर एकदम घुसी आ जाता है, कहता है कि है कौन ये बीमारी, बार बार चलाता है, निपटा देंगे इसको, तो उसको कभी रियल में भी पोलियो वाला आएगा ना, निपटा देगा उसको, कहेगा कितना बार पीले हैं हम कुछ नहीं हो गया। तो पहली बार जब होता है ना तो दिक्कत हो जाता, पहली बार में अगर हो गया और भी खतरनाक तो गड़बड़ा गया। अब HIV है, HIV का वैक्सीन किसी को दीजिएगा तो मरबे नहीं करता है, वो चुपचाप जाएगा शरीर में, और उसके WBC को पकड़ लेगा, सोच रहे तो नहीं हथियार भराएगा तोरे मार देगा ध्यान से, कहेगा आज से हम WBC, अब पूरे WBC को मार देता है, और आपका WBC को कंट्रोल कौन कर लेता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, कहेगा आज से जो कहेंगे हम वही होगा, खांसी करो इसको, खांसने लगेगा, सर्दी हो जाए सर्दी होगा, कोई बीमारी से नहीं लड़ सकते, बहुत खचरा है कौन, HIV वायरस। आगे बढ़े,
तो डिप्थीरिया, डीपीटी का टीका लगा दिया जाता है, वैक्सीन। टीका मतलब क्या होता है? वैक्सीन। बचपन में ही आप लोग को लग जाता है, जन्म के एक सप्ताह के अंदर अंदर क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। पहला इंजेक्शन यही दे देता है डीपीटी का, जन्म के एक सप्ताह में क्या करता है, देता है। मतलब एक महीने के अंदर दे देना होता है, तो एक सप्ताह के अंदर डॉक्टर क्या कर देता है, दे देता है इस चीज को। लेकिन एक महीना यानी चार सप्ताह मतलब 28 दिन, एक महीना के अंदर अंदर इसको दे देना जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि छोटा बच्चा का शरीर अभी बन रहा होता है, शुरुआती में कुछ कुछ फेमस बीमारियां को देख लेगा ना तो पहचान जाता है, तो उस टाइप का वो हथियार पहले ही से बना लेता है कि आओ देखते हैं हम यहाँ पर। तो छोटा बच्चा सबको देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किस चीज का टीका? डिप्थीरिया, पर्टियूसिस और टिटनस। आगे बढ़े, डीपीटी का टीका आप सबको बचपन में पड़ गया होगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। छोटा लड़का सबको दिखिएगा, जैसे आपका बैंक में पासबुक होता है ना, वो छोटका सबका हॉस्पिटल में पासबुक होता है, उस पर चढ़ाया जाता है कि हाँ इतना खाता चढ़ गया, इंजेक्शन लेके चल गया यहाँ पर। उसमें डेबिट क्रेडिट होते रहता है उसका, अपना वो बनते रहता है। जब तक छोटका लड़का 4 साल का नहीं हो जाएगा सब ना, अरे बाप रे, वो हमेशा उत्पात मचैले रहता है सब एकदम पूरा। उसके रूम में जाइएगा तो हमेशा दवाइये महकेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसका हर चीज अजीब। अच्छा, नहाने वहाने वाला सब चीज उसका अलग रहता है, छोटका लड़का सबको। हाँ हाँ, जॉनसन बेबी, हाँ वो सब नुकसान नहीं करता है उनको, किया नहीं तो उसको परपराने लगेगा। और समझदार महिला रहती है तो सब ठीक ठाक से नहलाती है, उसका पूरा शरीर नहा देगी सब, हल्का सा बाल और पूरा धुला देगी सब, फिर साइड से मुंह धुला देगी। अब कोनो को मतलब नहीं है, बाबू नहा ले दे, झोंक दी पहले ही पानी, हाँ वो झुक जाएगा, भागने लगा, भाग गया, चिल्लाने लगेगा दादा बाबा भाग गया। समझदार रहती है महिला, उसको खूब अच्छा दे देगी पानी, खेलते रहे, पैर पैर धुला देगी, फिर साबुन बढ़िया से हाथ पर लगा, और उसका सर अलग से धुला के निकाल देना है, फिर आगे से मुंह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमको बहुत अनुभव है। कितना तो लड़का, हम तो लगभग 200-250 से ज्यादा लड़का सबको हम लोग छोटा से, तो इतना से चलने फिरने लायक हो जाता है ठीक ठाक, तो आदमी कहता है कि अब उतना केयर करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ कुछ लोग हैं लोग कि हम देखते हैं तो कैसे पाल रही है समझ में, पहले ही मुंह झोंक देती है वहाँ, उसको अपना एक्सपीरियंस है, पहले मुंह धोलो, फेस वाश, फेस वाश, लड़कों का मुंह धोला, अरे उसको रद्द कर देते हैं से। हाँ, आप लोग देखिए कि नहीं, ऐसी महिला सबको रद्द करके रख देती है लड़कुआ सब। अब वही बुढ़ापा में लड़कुआ वैसे ही छोड़ देगा तो कहेगा बेटा नहीं मान रहा है। आगे बढ़े, कुछ ज्यादा कुष्ठ रोग, कोड़ फूट जीतो, इसी को क्या कहते हैं कोड़, कुष्ठ को क्या कहते हैं कोड़, लिप्रोसी, कुष्ठ को ही लिप्रोसी कहते हैं, क्या कहते हैं लेप्रोसी, कोड़ कहा जाता है। कोड़ हो जाता है इसमें, कोड़ फूट जाता है शराब से, नहीं शराब से नहीं होता है, बैक्टीरिया से होता है, बकलवा कह रहा है शराब से होता है। अजय सरापने से कोड़ फूटता है? हाँ अजय सरापने और आपने से कोई कोड़ नहीं फूटता है। कोड़ जब फूट जाता है ना तो हड्डियों क्या हो जाते हैं, जाम होने लगता है, अब ये शरीर ऐसे सिकुड़ने लगता है ऐसे एकदम भयानक टाइप का। इसमें चलिए ध्यान से समझिए, कोड़ में क्या होता है ना, उसका शरीर हर एक हड्डी क्या होने लगता है, पूरी तरह से जाम होने लगता है, और ये सब चीज आपस में से सिकुड़ने लगते हैं, सब मांस वगैरह सब क्या होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। अब एकदम सिकुड़ने लगेगा तो उसको जैसे हिलाए डुलाएगा तो उसको दर्द करेगा भयानक, हर एक हिस्से क्या होने लगेगा, दर्द करने लगेगा, तो उसको उठने उठने का मन नहीं करेगा, बैठल रहेगा ना इसे तो बैठल नहीं जाएगा, उठेगा तो घुटना उठना सीधा करेगा, इतना भयानक उसको दर्द करेगा उठबे नहीं करेगा, वो शरीर पूरा जाम होते रहेगा। तो गाँव में कोई आदमी मेहनत नहीं करता था, दूर कोढ़िया सुनेगी नहीं, कोढ़िया बोला जाता है कि नहीं, तो उसको कोढ़ नहीं है, लक्षण है उसका। होता है ऐसा, कुछ कुछ लड़के इस टाइप का होते हैं। हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता था, वो बेड के नीचे बोतल में पानी रखता था, सब लोग पानी तो बोतल में ही रखे रहते हैं, बेड के नीचे रख लेते, तो बुलाता था भाई बोतलवा उठा दो ना, और उसी बेडवा पे सोया है, हाथों से इसे मारता था, इसे नहीं मिलता था तो बोला भाई बोल बोतलवा उठा दे, इतना बड़का कोढ़िया था वहां, एक से एक होता है जैसे कोरिया सब। हाँ तो तुम कोरिया जाओगे, चक्कर पकड़ हंसते खेलते रहना चाहिए, ये नहीं कि बढ़ जाए एकदम कोरिया की तरह। आप में से कितने लोग को सुनने को मिला आपको?
नहीं ऐसा कोड फूटने का ऐसा नहीं है कि उसको कोड़े फूट जाए, लेकिन इंसान को थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए। इसके इलाज के लिए मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट MDT दवा आती है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट कोड़ के इलाज के लिए, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट कोड़ का इलाज, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट हो गया। डीप सिटी का कुटनी है, डी से डिप्थीरिया, प से बोले सी से टिटनस से गदावा, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, का से काली खास, काली खास, कु से कुष्ठ, कु से ट से टाइफाइड, टाइफाइड और एक तो टीबी, दो को याद रखिएगा इससे, टाइफाइड और टीबी। टाइफाइड में बड़ी आंत जो होती है प्रभावित हो जाती है, और इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। इसका ट्रीटमेंट काफी लंबा चलता है, 15 दिन तो लगातार इसका ट्रीटमेंट चलता है टाइफाइड का। उसके बाद आपको एक दवा दिया जाता है अगले, मतलब एक एक हफ्ता के गैप के खाने के लिए। फिर अगले महीने जैसे 15 दिन डॉक्टर लगातार देगा दवा खाने के लिए, फिर कहेगा कि अगले महीने हाँ दवा या इंजेक्शन, उसके बाद कहेगा कि ये दवा लो एक एक हफ्ते के अंतराल पे खाना, उसके बाद अगले महीने कहेगा कि 15-15 दिन के अंतराल पे खाना, फिर एक देगा 3। मतलब आज तो कई सारे थोड़ा ठीक ठाक आ गए हैं दवा वगैरह, नहीं तो पहले बड़ा लंबा ट्रीटमेंट होता था उसका, फिर हो जाता है टाइफाइड। और एक चीज गौर कीजिएगा, जिसको टाइफाइड होगा ना बार बार हो जाएगा उसको, समझे? रीजन क्या है, 5 को इंजेक्शन लेके टेंशन फ्री हो गया, उसका ट्रीटमेंट है लंबा, लेकिन इतना फुर्सत है किसी को, इसलिए बार बार हो जाता है। खजवट वाले को भी बताए थे, उसका ट्रीटमेंट है लंबा 2-2.5 महीने का, लेकिन एक हफ्ता लगाया नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया, फिर फंगस कहेगा सब हम आएंगे दोबारा, माहिस्मती पर कब्जा, समझा गया? देखिए आगे बढ़े, टाइफाइड में आंत, टीबी में फेफड़ा, टीबी में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस, पूरा का पूरा फेफड़ा क्या कर देता है, चाल देता है यहाँ पे। इससे बचना बहुत जरूरी है, टीवी से बचना बहुत जरूरी है। बचपन में टीवी जिसको हो जाता ना, बहुत लोगों की जान ले लेता था टीवी, और बुढ़ापा में भी टीवी हो जाता है। अब युवा अवस्था में आप लोगों को थोड़ा चांसेज कम है। इसके इलाज के लिए बचपने में आपको BCG का टीका दे दिया जाता था, बचपन में BCG, बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन, BCG का बोलबा, बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन किस चीज के लिए है, टीवी के लिए, बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन BCG का टीका। यह बहुत दर्दनाक टीका पहले होता था, अब तो इंजेक्शन से हो गया है ना, अब तो इंजेक्शन हो गया, पहले BCG का टीका में ना इतना नोक होता था, इतना ज्यादा नोक होता था, अब पिछवा इंजेक्शन रहता, पकड़ कैसे, आप अपने पिताजी या दादाजी को देखिएगा, यहाँ गोल घाव होगा, बड़का गोल होगा, अगर 2 डोज लिए होंगे तो 2 गो होगा। हम पहले जब ये टीका दिया जाता था, सब लड़का भाग जाता था, सब स्कूल वगैरह से पकड़ के जब दिया जाता था, तो प्रिंसिपल को पहले पता रहता था, उस दिन कोनो प्रोग्राम रख देते थे प्रिंसिपल, आज ये होगा वो होगा, सब लड़का आ जाता था, तो एक्स्ट्रा लोगों को बुला के अचानक गेट वोट बंद। हमारे दादाजी बताते थे कि स्कूल में पकड़ के एकदम सबका क्लास बाई क्लास, बाहर से क्लास बंद, एकाको को खोल के चिल्लाते रहता था, नहीं आया इंजेक्शन लगाया, भाग जाता था स्कूल छोड़ के। अब नॉर्मल सा इंजेक्शन आ गया, नॉर्मल इंजेक्शन, बट BCG इतना रिएक्टिव होता है ना कि जहाँ इंजेक्शन लगाया जाता वहाँ घाव बन जाता। आज छोटको लड़कों को लगाइएगा ना तो छोटा सा घाव हो जाता है, छोटा लड़का सबको यहाँ दागी रह जाता है, छोटा लड़का सबको। अब सरकारी हॉस्पिटल में लगता है, वो सब जो होते हैं सबको 10 रुपया दे दीजिएगा, 20 रुपया तो ठीक से लगा देंगे, और नहीं दीजिएगा तो घचाक से घोप देगी लड़कों को, समझ आया कि नहीं आएगा। लेकिन सरकारी सब पे बहुत पैसे खर्च करती है, फ्री में लगाया जाता है सरकारी हॉस्पिटल में। तो BCG बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन, लेकिन अगर आदमी बड़ा हो गया है तो उसको डॉट्स, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट, अब डायरेक्ट उसको फेफड़ा से निकाला जाता है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट। किसी को दिक्कत? सारे टीके को 1 से लेकर 4 हफ्ते के बीच में लगा देना होता है, चाहे जो भी टीका है छोटा लड़का को, उससे ज्यादा लेट नहीं करना होता है, 1 से लेकर 4 हफ्ते के बीच में आपको बच्चे को इंजेक्शन लगा देना। आगे बढ़े,
बीसीजी का टीका बच्चों को, अब बड़े लोगों में डॉट्स, क्वेश्चन पूछेगा अलग अलग, टीबी के इलाज के लिए बड़े में डॉट्स, डीडीटी नहीं रहे, डीडीटी तो कीटनाशक है, बताए लड़कियों पे कीटनाशक छिड़क रहा है डीडीटी, बट बच्चे लोगों में बीसीजी, बच्चों में और बड़े लोगों में डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट। बीसीजी का फुल फॉर्म बोलिए तो, बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन, याद रहेगा बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। और डॉट्स का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अगला बीमारी कौन सा, निमोनिया, फेफड़ा, क्या होता है फेफड़ा, फेफड़ा में पानी उतर जाता है, फेफड़ा में क्या जमने लगता है, पानी भरने लगता है और गुच्छे बनने लगते हैं, तो वो क्या हो जाता है निमोनिया, क्या हो जाता है निमोनिया। भारत में छोटे बच्चों का सबसे ज्यादा अगर किसी ने जान लिया है ना, निमोनिया ने लिया, सबसे ज्यादा छोटका बचवा होगा, सब एकदम छोटा रहेगा, फेफड़े अपने छोटा छोटा है, और उसके बाद उसके फेफड़ों में क्या भर जाएगा पानी, खांसी नहीं पाएगा ना सांस ले पाएगा, धीरे धीरे मर जाएगा निमोनिया की बीमारी से, बहुत खराब बीमारी थी। अच्छा, बूढ़े लोगों में भी निमोनिया हो जाता था, बच्चा बूढ़ा में बीमारी बड़ी तेज होता है, बुढ़ापा में भी ये चीज़ें बहुत तेज हो जाती है, तो निमोनिया बहुत तेज बीमारी लिया। चीन में जब ये कोरोना फैला था ना, तो चीन के लोग इसे निमोनिया समझ के ही इलाज कर रहे थे, बाद में पता चला निमोनिया नहीं है रही तो कोरोना है, दोनों लगभग सेम ही है। जिस तरह से निमोनिया कोरोना से जैसे लोग मर रहे हैं ना, वैसे ही लोग मरते थे किससे, निमोनिया, 15 दिन के अंदर काम तमाम। लेकिन दोनों में अंतर इस बात का है कि कोरोना बड़ी तेजी से फैलता है, निमोनिया उतना तेजी से नहीं फैलता है, हाईली इन्फेक्टेड निमोनिया नहीं है, लेकिन कोरोना बहुत ही हाईली इन्फेक्टेड है, लेकिन मौत एक जैसी होती है। जैसे कोरोना में कैसे तड़प के मरता है, निमोनिया में भी वैसे ही बच्चा छोटा सा तड़प के क्या हो जाता है, मर जाता है, बहुत लोगों की जान लेके चला गया निमोनिया। अब तो इसका इलाज भी बहुत हद तक हो गया है निमोनिया वगैरह का, पहले इसका इलाज नहीं था, अब इलाज ठीक ठाक हो गया। हाँ से होता हैजा, है सर, हैजा को कॉलरा भी कहते हैं, हैजा को क्या कहते हैं, कॉल। इसमें हैजा में क्या होता है, ये दूषित जल एवं भोजन से फैलता है, इसके विविलियो कोलरा, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, विविलियो कोलरा। बैक्टीरिया में एक चीज़ है कि उसका नमवा बीमारिया का नमवा मैच करते रहता है, जैसे बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मैच कर गया, विविलियो कोलरा कोलरा से मैच कर गया, इसे हैजा या कोलरा के नाम से जाना जाता है, हैजा या कोलरा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ जाए, इसमें क्या होता है, पाचन तंत्र पूरी तरह से खराब हो जाता है, कोलरा की खराबी होती है, इसमें उल्टी भी नहीं रुकता है और लूज मोशन भी नहीं रुकता है, तो शरीर से पूरी पानी खत्म हो जाता है, उल्टी होता है तो वाटर का लॉस हो जाता है, लूज मोशन होता है तो उसमें भी वाटर का लॉस होता है। देखिए पानी ऐसे ना पीजिए उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन उल्टी से पानी होता है ना, तो उसमें आपका पानी के साथ साथ शरीर के अंदर का जो न्यूट्रिशन होता है ना वो भी बाहर चलाता है, तो आपका पानी से लॉस नहीं मतलब, वो तो पनिया अंदर जाके बाहर आया है, तो पूरा बढ़िया से पूरा न्यूट्रिशन वगैरह सब ले आके क्या कर दिया है, बाहर फेंक दिया है। लूज मोशन में बढ़िया पानी का अवशोषण छोड़ देती है, तो केवल पानी से नहीं पूरे शरीर का न्यूट्रिशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन होने लगता है। किसी को कलरा या हैजा हो जाता है ना, एकदम भयानक, दिन भर में 30 बार लूज मोशन होगा और 25-30 बार उल्टी होगा, एक हफ्ता मतलब 3 दिन अगर कलरा अगर बढ़िया से रह गया ना तो उठने नहीं देगा बेड से, 3 दिन के अंदर इतना शरीर को कमजोर कर देता है। और पहले ये हैजा की बीमारी जब फैलती थी तो गांव का गांव साफ हो जाता था हैजा से, दूषित जल एवं भोजन से इसके बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैलते हैं, तो दूषित जल और भोजन नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, अदरवाइज में कोलरा बहुत ही तेजी से फैल जाएगा, हैजा या कोलरा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए डायरिया में क्या होता है ना, केवल लूज मोशन होता है डायरिया में, इसमें लूज मोशन भी उल्टी भी, पूरे शरीर के पेट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब उसमें जब आप सांस लेंगे तो हवा तो भाई मुंह से भी हम लोग सांस ले लेते हैं, तो पेट में भोजन रहता है पानी रहता है तो उसको प्रेशर डाल के वो आपस फेंक देता है हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं, तो पेट में कम ही गैस रहता है। लेकिन जब लूज मोशन होगा पूरा पानी खत्म, पेट में का पूरा पानी उल्टी से खत्म, छोटी आंत पूरा खाली, बड़ी आंत खाली, पेट खाली, पूरा खाली, तो हवा क्या हो जाएगा, रहने का जगह मिल जाएगा तो वहां भर जाएगा, तो पेट ऐसे फूल जाएगा, तो कोलरा का मरीज का पूरा पेट फूल गया तो गैस हो जाएगा उसको,
लूज मोशन हो जाएगा, उल्टी होगा, भयानक हो जाता है। तो ये सब के लिए डॉक्टर का इलाज है। अब ये सब चीज़ों पे बहुत हद तक कंट्रोल पाया, इसमें सब पे कंट्रोल हो चुका है अभी, ठीक है। वायरस वाले कुछ कुछ खतरनाक है सब। कोई भी बीमारी का पहले में पता होना चाहिए, वरना किसी बीमारी को छोटा मत समझिएगा। छोटे मोटे बीमारी में लोगों की मौत हो जाती है अगर एक सर्टेन स्टेज के आगे चला गया तब। किसी को दिक्कत? बोलिए इसका ट्रिक। डीप सिटी का कुटनी है, डी से पसे, सी से टी से टिटनस, ट से टिटनस, का से काली का, का से काली काजी, का से काली काजी, कु से कुछ, ट से टाइफाइड और टीवी, टाइफाइड और नी से निमोनिया, है से हैजा, कोई अंग्रेजी में कॉलर, हैजा को अंग्रेजी में कॉलरा। अब एक चीज गौर कीजिएगा, इसमें अगर गौर करेंगे एक चीज, तो आपको जब बीमारी के, ये तो सब बैक्टीरिया से होता है सबका सब, लेकिन बैक्टीरिया में से कौन बैक्टीरिया, जैसे अगर हम ओवरव्यू बस ऐसे कर दें कि टीवी किससे होता है, तो बैक्टीरिया से, हैजा किससे होता है, बैक्टीरिया। लेकिन क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि बैक्टीरिया में से कौन सा बैक्टीरिया, तो जैसे ये जीवाणु जो होता है हैजा होता है, यानी कॉलरा, कॉलरा होता है विवरियो कॉलरा से, विवरियो कॉलरा। तो इसको याद करने का टेंशन ही नहीं है आपको, क्योंकि बीमारी का नाम और बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाता है, मैच कर जाता है। जैसे टीवी में देखिएगा तो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस, तो मैच कर जाता है। तो कुछ कुछ का मैच करता है 80% का, 20% का मैच नहीं करता है। तो आप समझदार अगर हैं तो याद कौन सा कीजिएगा, जिसका मैच नहीं कर रहा है, जैसे प्लेग वाला मैच नहीं करेगा, डिप्थीरिया वाला मैच कर जाएगा, ये कुष्ठ वाला मैच कर जाएगा, क्योंकि कुष्ठ रोग को लिप्रोसी कहते हैं, क्या कहते हैं, लिप्रोसी। तो अब आप लोग को याद करके आना है जो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मैच करेगा वो पूछेगा तो बता ही देंगे, बोलेंगे विवरियो कॉलरा, कॉलरा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीवी, नहीं समझ आया। तो जिसमें नमोए आ जा रहा है तो याद ही कर लेंगे आप लोग। तो अब आप लोग को याद रखना है जिसका मैच नहीं करता, चार पांच ठो है जिनका, तीन चार ठो है जिसका मैच नहीं करेगा, इसको आप लोग कल याद करके आएंगे, हम पूछेंगे, ठीक है, कल हम वायरस पढ़ा देंगे।